नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। और इस वीडियो में आज हम बनाएंगे आलू के भरवा पराठे, जिनको कि बनाने की मैं आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगी, जिससे कि आपके आलू ना ही बेलते समय साइड से निकलेंगे, ना ही आपके पराठे फटेंगे और पराठों में सब तरफ आलू का मसाला बिल्कुल बराबर मात्रा में फैलेगा। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप पेट पूजा रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आलू के पराठे बनाने के लिए यहाँ मैंने एक परात में 2 कटोरी आटा ले लिया है, ये मल्टीग्रेन आटा है। और इसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसका एक डो बना के रेडी करना है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम रोटी चपाती या पराठों के लिए आटा लगाते हैं। तो पानी इस तरह से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा छांट के हमें इस आटे को इकट्ठा करके इस तरह से एक बार इसका डो लगा लेना है। ये देखिए, ना ही ये ज़्यादा ढीला है और ना ही कड़ा आटा है, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी का आटा हमने लगा के रेडी किया है। उसके बाद इस तरह से मैंने उंगलियों से इसमें थोड़े से छेद बना दिए हैं और थोड़े से पानी का छींटा इसमें हम दे के उसके बाद इसको ढक के तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए रखने देते हैं, जिससे कि आटा हमारा अच्छे से फूल जाएगा, आटा सेट हो जाएगा। और जब तक आटा हमारा सेट हो रहा है, चलिए आलू मैंने यहाँ उबाल के रख लिए हैं और उबले हुए आलूओं का सारा पानी ड्रेन करके मैंने एक जाली में इसको डाल दिया है, उसके बाद इसको छील लिया है। तो आलूओं को जाली में डाल के एक बार उसको हवा लगाना ज़रूरी है, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर अगर कोई भी मॉइस्चर या पानी है तो वो अच्छे से सूख जाएगा। तो आलू उबालने के बाद आप उसको एक बार छलनी में डाल के उसका सारा पानी सुखा लें, जिससे कि आपके पराठे में आलू एकदम सूखा सूखा रहेगा और पराठे बेलते समय फटेंगे नहीं। तो परफेक्ट आलू के पराठे बनाने का सबसे पहला टिप तो ये है कि आलू आपको एकदम सूखा लेना है। तो उबालने के बाद 10 मिनट इस तरह से मैंने जाली में इसे रखा, पानी जब सारा सूख गया तो मैंने इनको छील लिया है। और छीलने के बाद इसको हम मैश कर लेंगे। आप चाहें तो पोटैटो मैशर से कर लीजिए, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हाथ से इस तरह से पंच करते हुए, इकट्ठा करते हुए आलूओं को अच्छे से मसल लें। क्योंकि अगर आलू में गुठली या आलू के थोड़े से बड़े पीसेस रह जाएंगे तो जब आप बेलन से पराठा बेलेंगे तो उससे जो है आलू के पीसेस से पराठा फट सकता है। तो बिल्कुल इस तरह से मैंने यहाँ अच्छे से इसको गूंद लिया है। अब इसमें सीजनिंग के लिए सबसे पहले नमक डाल लेते हैं स्वाद अनुसार। तो मैंने यहाँ पिंक सॉल्ट डाल दिया है तकरीबन 1.5 चम्मच। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3/4 चम्मच काला नमक, जिससे कि एकदम चटपटे आलू की चाट वाली टिक्की होती है ना, वैसा फ्लेवर पराठों में आएगा। तो काले नमक के बाद अब 3/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे भुना पिसा जीरा, जिसको कि तवे पे बिल्कुल ऐसे ही मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया और उसके बाद पीस लिया है। और भुने पिसे जीरे के बाद 1 पूरा चम्मच भर के हम इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला पाउडर। और अब जो है इसमें हम एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं, वो है मिंट पाउडर, यानी कि सूखी हुई पुदीने की पत्तियों का पाउडर। इसे बनाने की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं आई बटन में उसका लिंक छोड़ दूंगी। तो 1 पूरा चम्मच भर के मिंट पाउडर हमने डाला है। उसके बाद डाल रहे हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही डाल लेते हैं 3/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। और अब हमने इसमें डालना है 1/2 चम्मच पिसी हुई हल्दी पाउडर। तो हल्दी भी हमने यहाँ डाल ली है। इसके बाद खटाई डाल लेते हैं। तो खटाई में इसमें पड़ेगा आमचूर पाउडर, तो 1.5 चम्मच हम इसमें डाल लेते हैं आमचूर पाउडर। आलू के मसाले के साथ अमचूर की खटाई जो है वो बहुत ही परफेक्ट जाती है और मिंट और अमचूर से बहुत ही फ्लेवरफुल पराठे आपके बन के तैयार होंगे। तो यहाँ अमचूर भी हमने डाल लिया है। तो सूखे मसाले सारे डल गए हैं। अब इसमें एकदम रिफ्रेशिंग फ्लेवर देने के लिए डाल लेते हैं बारीक कटा हुआ ढेर सारा धनिया। तो यहाँ हरा धनिया भी हमने ऐड कर लिया है। इस स्टेज पे आप चाहें तो बारीक कटे हुए प्याज और बारीक बारीक काट के हरी वाली मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को स्किप कर दीजिए, मैंने यहाँ प्याज और हरी मिर्च नहीं डाली है। उसके बाद इस तरह से सारे मसाले में हम सूखे मसालों को मिक्स कर लेंगे। तो ये जो आलू का मसाला है हमारा, इसको अच्छे से बिल्कुल नीचे से लेते हुए हमने हिला लिया है और मसाले को यहाँ हमने तैयार कर लिया है। तो बहुत ही बढ़िया मिंटी फ्लेवर वाला फ्लेवरफुल सा मसाला हमारा बनके रेडी है। तो चलिए अब गूंधे हुए आटे की तरफ चलते हैं। इसको रखे हुए तकरीबन 15 मिनट मुझे हो गए हैं और आटा देखिए अच्छे से फूल गया है। तो एक बार फिर से आटे में हम अच्छे से मुक्कियाँ लगा लेंगे, आटे को बढ़िया से मल्हार लेंगे, जिससे कि उसका जो ग्लूटन है वो इसमें से रिलीज़ हो जाए और पराठे इससे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो ये स्टेप आपको मिस नहीं करना है। इस तरह से हाथों से मल्हारते हुए, मुक्कियाँ लगाते हुए आपको आटे को और भी स्मूथ कर लेना है। आप चाहें तो इसमें
एक या दो चम्मच देसी घी भी डाल सकते हैं। तो ये आटा यहाँ बहुत बढ़िया से रेडी हो गया है, तो मैं इसमें घी नहीं डाल रही हूँ, आटा हमारा रेडी है। तो बस चलिए शुरू करते हैं पराठे बनाना। तो पराठों को बेलने के लिए मैंने यहाँ नॉर्मल रोटी से थोड़े बड़े साइज़ का पेड़ा लिया है और उसे ड्राई फ्लावर में डस्ट करके इसकी हमें एक रोटी बेल के तैयार करनी है। और बेलते समय हमें ये ध्यान रखना है कि इसके किनारों को हमें पतला रखना है। तो ये कैसे होगा कि बेलन का ये जो किनारे वाला हिस्सा है इस पे प्रेशर डाल के हमें रोटी बेलनी है, ना कि बीच वाले हिस्से पे। तो ये जो किनारे वाला हिस्सा है इसको रोटी के किनारे पे रख के इस तरह से बिल्कुल साइड से प्रेशर देते हुए हमें इस रोटी को बड़ा करना है, जिससे क्या होगा, ये देखिए किनारे एकदम पतले हो गए हैं और बीच में से ये हमारी रोटी मोटी है। तो पराठे के लिए बिल्कुल ऐसी ही रोटी हमें बेलनी है। और अब जो हमने आलू का मसाला बनाया था उसकी काफ़ी मात्रा हमने इस तरह से चम्मच से लेके पराठे के बीच में रख देनी और हथेलियों से थपथपाते हुए एक ट्राइंगुलर शेप की टिक्की इस तरह से बना के हमें पूड़ी के बीच में रख लेनी है। अब एक किनारा उठा के इस तरह से लॉक कीजिए, दूसरा किनारा उठा के इसके ऊपर लॉक कर दीजिए, तो ये एक ट्रायंगल सा बन गया। उंगलियों से पैट करके ट्रायंगल के ऊपर वाले कोने में मसाला फैला दीजिए। इसके बाद ये जो नीचे वाला हिस्सा बचा है इसको भी इस तरह से आप फोल्ड कर दीजिए। उंगलियों से पैट करके मसाला इस किनारे में भी अच्छे से फैला दीजिए और ये देखिए आपका ट्रायंगुलर पेड़ा बन के तैयार है। तो ड्राई फ्लावर में फिर से डस्ट करेंगे और बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मली आलू का पराठा हम बेलते हैं वैसे ही हल्के हाथों से इस तरह से बेल के तैयार कर लेंगे। ये देखिए पराठा हमारा बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसे सेक लेते हैं। यहाँ मैंने तवे को गैस पे चढ़ा दिया है और हाई फ्लेम पे एक बार तवे को हम अच्छे से पहले गरम कर देंगे, उसके बाद ये जो आलू का पराठा हमने बेल के रेडी किया है इसको इसमें डाल लेते हैं और एक तरफ से सेकने के बाद इस तरह से इसको पलट लेंगे। हल्का सा सुनहरा सिक गया है ये, तो सिकी हुई साइड पर हम डाल लेते हैं तेल। तो मैं यहाँ ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहें तो देसी घी में बना सकते हैं। और इस तरह से ऑलिव ऑयल में बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे सब तरफ से घुमा घुमा के हम हमारे पराठे को करारा करारा सेक लेंगे। आपको अगर डार्क ब्राउन पराठा चाहिए तो वैसा सेक लीजिए। ये देखिए मैं इसको क्रिस्पी बनाना चाहती हूँ तो मैं पोटैटो मैशर से इस तरह से दबाते हुए दोनों तरफ से पराठे को एकदम अच्छा करारा सेक लूँगी। किनारे आप अच्छे से दबा के प्रेस करें जिससे कि किनारे में जो मसाला है वो भी अच्छे से सिक जाए। और ये देखिए हमारा पराठा जो है बढ़िया सिक के तैयार हो गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए मसाले से भी पराठे बेल के तैयार कर लेंगे। बहुत ही जेनरसली स्टफिंग डालिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पराठे हमारे फट जाएंगे। हमने इस तरह से जैसे पैटी बनाई थी बिल्कुल ट्राइंगुलर पैटी बनाइए, पराठे को इस तरह से तिकोने आकार में मोड़ के सील कर लीजिए। कहीं पानी वानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हल्के हाथों से बेलिए आराम से। देखिए कोई भी पराठा मेरा फट नहीं रहा है। बढ़िया से सारे पराठों को इस तरह से सेक लेना है और सारे पराठे सेकने के बाद मैंने यहाँ प्लेटर सर्व कर दिया है और अंदर से देखिए एकदम परफेक्ट आलू का मसाला सब तरफ फैला हुआ है। इसे मैंने सर्व किया है बटर के साथ, घर के बने आम के अचार के साथ, साथ ही सॉस है और विनेगर वाला पिकल भी है मार्केट वाला। तो बस देर किस बात की, आप भी अपने किचन में ज़रूर ट्राई करें आलू के भरवा पराठों की ये परफेक्ट रेसिपी। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।